साथियों, मैं आपके साथ आपका अभिषेक तिवारी आपके इस वीडियो में एक हेल्पफुल वीडियो के मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा कि एसएससी जीडी में कितनी पोस्टेज हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। दोस्तों, एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, तो आपको मैं पहले बता दूँ जो आपकी टोटल पोस्टेज हैं बीएसएफ की 5211 पोस्ट हैं, बीएसएफ की 9113 पोस्ट हैं, सीएसएफ की 3266 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ की 593 पोस्ट ठीक ठाक हैं, एसएसबी की हैं। वही बात करते हैं आईटीबीपी की 2694 पोस्ट, जो कि एक अच्छा खासा आंकड़ा भी हो जाता है। और वहीं हम बात करते हैं असम राइफल के लिए 1448 पोस्ट हैं। ये असम राइफल की सबसे थोड़ी सी कम हो जा रही है पोस्टें, क्योंकि इंसान ज़्यादा रिकमेंड कर देता है कई बार असम राइफल के लिए, इसलिए। वहीं एसएसएफ की बात करें तो 222 एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी पोस्टेस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा आंकड़ा है ये एक वैकेंसीज का। 222 पोस्ट एक बिग अमाउंट, मतलब बिग नंबर जा रहा है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं 222, इसलिए। तो हम कैटेगरी की बात कर लेते हैं कैटेगरी में, और अगर बात करते हैं कि यहीं पर कितनी टोटल पोस्टेस कितनी है, तो हम टोटल पोस्ट आपको बता देते हैं 23,347। ये बात हो रही है खाली मेल्स के लिए, नॉट फीमेल्स। फीमेल्स के लिए अगर वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, उनके लिए भी वीडियो आ जाएगी। चलिए, अब हम बात करते हैं जो मेल की हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। जनरल कैटेगरी आपकी 1956 पोस्ट है बीएसएफ में, 4151 पोस्ट है सीएसएफ में, 1314 पोस्ट हैं सीआरपीएफ में, 226 पोस्ट हैं आपकी किसमें, एसएसबी में। वो बात करते हैं 1200 पोस्टें हैं जो आपकी आईटीबीपी में हैं, 689 पोस्टें असम राइफल में हैं, और 90 पोस्ट एसएसएफ में हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि जनरल को 90 सीट्स मिली हैं। बट इस पर सब फाइट करते हैं, खाली जनरल फाइट नहीं करती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं फिर आपके लिए ईडब्ल्यूएस, जो कि जनरल का ही एक हिस्सा आता है, बट इकोनॉमिकली वीकर एक्सेप्शन हो जाता है ये। तो इसमें आपको बताते हैं जनरल की बीएसएफ में 1025 पोस्ट हैं, 1086 सीएसएफ की हैं, 509 सीआरपीएफ, 94 एसएसबी, जो थोड़ा सा कम लग रहा है आंकड़ा, क्योंकि जब आप बीएसएफ के देखेंगे तो 285 आईटीबीपी, 235 असम राइफल, 23 आपकी एसएसएफ में है, और एनसीबी की इस बार कोई भी पोस्ट नहीं है। और वहीं बात करते हैं हम आपकी ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की आपकी ये रही 1028 पोस्ट हैं बीएसएफ, 2196 पोस्ट हैं आपकी सीएसएफ, 688 सीआरपीएफ, 125 एसएसबी, 523 आईटीबीपी में, जो कि ठीक ठाक आंकड़ा है, 156 असम राइफल, 60 मिल रही हैं आपको ओबीसी की, जो कि ये भी बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया है ओबीसी को भी, अच्छा सपोर्ट किया है गवर्नमेंट ने ये भी। एसटी की बात एक बार जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं एसटी के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो एसटी के लिए आपकी ये दिख रही हैं कि आपको मैं दिखा दूँ, 467, 974 सीएसएफ, 294 सीआरपीएफ, 45 एसएसबी, आईटीबीपी की 306, असम राइफल की 252, बहुत ज़्यादा दी हैं एसटी के लिए, क्योंकि एसटी क्षेत्र आता है वहाँ, इसलिए। और यहाँ थोड़ा 16 सीटें आपकी एसएसएफ में दी हैं, ठीक है। एसटी जिस हिसाब से पार्टिसिपेट करते हैं उस हिसाब से ठीक है। और वही बात करते हैं एससी के लिए, जो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगी, तो 735 पोस्टें हैं बीएसएफ में, 1506 सीएसएफ में, 461 आपकी सीआरपीएफ में हो जाएंगी, 103 एसएसबी में, 380 आईटीबीपी में, 116 असम राइफल में, 33 आपकी एससी कैटेगरी से एसएसएफ में हो जाएंगी। तो इस हिसाब से अगर हम कैटेगरी वाइज टोटल आपका अमाउंट निकाल लेते हैं सारा, तो हम ये निकाल रहे हैं आपका 3334 पोस्टें एससी कैटेगरी के लिए हो जाएंगी, 2354 पोस्टें एसटी के लिए हो जाएंगी, जो कि एक अच्छा आंकड़ा जा रहा है मेरे हिसाब से, 4776 पोस्टें ओबीसी के लिए, और बात करते हैं 3257 पोस्टें ईडब्ल्यूएस के लिए, 9626 पोस्टें यूआर के लिए। तो दोस्तों, अच्छा आंकड़ा ये। तो ये डिटेल इतनी रखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको फीमेल्स कैटेगरी की भी वीडियोस चाहिए होगी, फीमेल की कितनी पोस्ट हैं, या फिर कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो, तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पर हेल्पफुल रही वीडियो। और अगर आपको रिव्यू चाहिए, एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुके हैं,
और अगर आपको रिव्यू भी चाहिए है, फॉर एग्जाम्पल कैसा रहा, पूरे दिन की खाली एक वीडियो बनाऊँ या फिर पर शिफ्ट वीडियो आपके एनालिसिस करूँ, तो इस बारे में भी आप डिटेल हमें दीजिएगा। इस वीडियो में आप इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ और बढ़िया क्वालिटी के साथ। जय हिंद दोस्तों।